हेलो एवरीवन इन द प्रीवियस वीडियो वी वर गोइंग थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ द नावल प्राइड एंड प्रेज रिटन बाय जेन ऑस्टिन लेकिन इस नॉवल में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं तो फिर इस नॉवल में कंफ्यूजन हो जाएगा जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे सो टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड ब्रिंग सम क्लैरिटी आई हैव सॉर्टेड डाउन सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल और इनका अगर हम लोग थोड़ा कैरेक्टर्स स्केच ब्रीफ में जान लें देन इट विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द नावल इवन बेटर सो वी हैव मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट वी आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू देम इन द फर्स्ट चैप्टर इट्स एंड मिस्टर बेनेट मिसेज बेनेट एज द नेम सजेस्ट दे आर वाइफ हजबेंड एंड देव फाइव डॉटर्स इन दोनों की पांच बेटी है जिनका नाम है जेन बेनेट एलिजाबेथ बेनेट मैरी बेनेट किटी बेनेट एंड लीडिया बेनेट और ये बेनेट फैमिली कहाँ रहते हैं विलेज है एक लॉन्गबर्न नाम का विलेज है यहाँ रहते हैं मिस्टर बेनेट का अगर हम लोग कैरेक्टर स्केच करना चाहें तो ही ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सरकेस्टिक टोन भी है उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी प्रैक्टिकल रियलिस्टिक पर्सन वाइल मिसेस बेनेट ऑन द अदर हैंड बहुत ही शैलो और गॉसिप करने वाली फीमेल लगती हैं जिनका सोल मोटिव सोल पर्पस ही लाइफ का है कि अपनी डॉटर्स को एक वेल्दी से वेल्दी फैमिली में मैरिज करवा देना है और सेटल कर देना है

कि ये लाडली बेटी है एलिजाबेथ देन वी हैव मैरी बेनेट वो सब बुक वर्म एक नर्ड है बुकिश है जहां से भी नॉलेज मिलता है बुक्स का वो हर जगह अपना एक तरीके से शो ऑफ भी करती है नॉलेज देन वी हैव किटी बेनेट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एंड देन वी हैव लीडिया बनेट हु इज यंगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम एंड लीडिया बेनेट इज हर मदरस फेवरेट ममाज पेट कह सकते हैं या माँ की लार्डली बेटी जो है वो है लीडिया फादर की फेवरेट है एलिजाबेथ मदर की फेवरेट है लीडिया और इस वजह से लीडिया थोड़ी स्पॉइल्ड भी है सो दिस इज द बेनेट फैमिली देन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड टू अ वेल्दी मैन एलिजिबल बैचलर अकॉर्डिंग टू मिसेस बेनेट जिनके बारे में बोल रही थी मिस्टर पिंगले तो उनका पूरा नाम है चार्ल्स पिंगले, जो कि नेदरफील्ड पार्क में रहने आए है लॉन्गबर्न का के बगल में ही है नेदरफील्ड पार्क नेबरहुड में कह सकते हैं वहां पे चार्ल्स पिंगले एक मैंशन खरीदे है एक आलिशान सा घर खरीदे हैं एंड वहां रहने आए हैं और जैसे नॉवल प्रोग्रेस करेगा हम लोग देखेंगे कि चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट इन दोनों का थोड़ा रोमांटिक रिलेशन रहता है एंड दे एंड ऑफ बींग टेदर और चार्ल्स बिंगले के एक और फ्रेंड है जिनका नाम है मिस्टर डार्सी नाउ मिस्टर डार्सी हम लोग कह सकते हैं हीरो ऑफ द नॉवल है इनका पूरा नाम है मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी और इनका और एलिजाबेथ बेनेट का कनेक्शन बनेगा हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे नॉवल में प्रोग्रेस करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे So, this was all about uh, the main characters of the novel. So, yeah, thank you.